ये मलकापुर गांव के दो दोस्तों की कहानी है। एक है संजय और दूसरा अशोक। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों में एक चीज है जो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। मम्मी, मेरा टिफिन लाओ, मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। वहाँ अशोक भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ, लाती हूँ। ये लो तुम्हारा टिफिन। और मुझे एक बात बताओ, तुम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? अच्छा छोड़ो ये सब, लाओ मेरा टिफिन। ओके मम्मी, मैं चलता हूँ। इस संजय की वजह से हमेशा लेट होना पड़ता है। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, चलो आप। और ऐसे ही ये दोनों दोस्त हर काम एक साथ करते हैं, जैसे स्कूल से आना जाना, घूमना और खेलकूद करना। लेकिन हर बार परीक्षा के समय संजय सब कुछ छोड़कर ध्यान से पढ़ाई करता है और अशोक अपने दोस्त संजय के भरोसे रहता है। अशोक, 2 दिन के बाद तुम्हारा परीक्षा है और तुम पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में गेम खेल रहे हो? अरे मम्मी, टेंशन मत लो, मेरी सारी पढ़ाई हो चुकी है। मेरा दोस्त संजय तो है ही, तो मुझे क्या फिक्र। बेटा, आके खाना तो खा लो। रुको मम्मी, 2 दिन के बाद परीक्षा है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं फर्स्ट आ सकूं। ठीक है बेटा, अभी के लिए दूध पी लो। 2 दिन के बाद संजय और अशोक के परीक्षा शुरू हुए। संजय पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने निकला और अशोक सिर्फ संजय के भरोसे ही परीक्षा हॉल पहुंचा। संजय ध्यान से लिख रहा था तभी, ओ संजय, तुम कितना लिखोगे, थोड़ा मुझे भी दिखाओ। रुको ना, ये वाला उत्तर लिख के तुमको दिखाऊंगा। और ऐसे ही उन दोनों के परीक्षा खत्म हो गए। ये जैसे भी करके परीक्षा तो अच्छा ही हुआ। कुछ दिनों के लिए आप मस्ती करेंगे। याहू! नहीं दोस्त, मस्ती तो ठीक है, लेकिन मेरे कुछ पेपर अच्छे नहीं गए। अरे छोड़ो यार, इतना मेहनत करके क्या मिलेगा, मुझे देखो, कभी कभी शॉर्टकट्स भी ले लेना चाहिए। 1 महीने के बाद जब दोनों के रिजल्ट्स आए, तब हर बार की तरह संजय फर्स्ट आया और अशोक जैसे तैसे पास हो गया। और इसी तरह संजय और अशोक बड़े हो गए। फिर एक दिन दोनों दोस्त बैठकर ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। संजय, अब तुमने क्या सोचा, नौकरी करोगे या बिजनेस? अरे अशोक, आजकल नौकरी मिलना इतना मुश्किल हो गया है, लेकिन कुछ तो करूंगा, ऐसे ही पढ़ाई बेकार नहीं जाने दूंगा। ये बढ़िया है, इसके साथ बिजनेस शुरू करता हूँ। ये मेहनत करेगा और मैं आराम से पैसे कमाऊंगा। शॉर्टकट्स के आइडिया तो कोई मुझसे सीखे। हाँ भाई, नौकरी के बारे में सोचना छोड़ दो, चलो हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस शुरू करते हैं। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, और पैसा भी तो चाहिए। वो सब मैंने सोच लिया है। मतलब? हम लोग मिश्रा सर के पास चलते हैं। सुना है सर हर जरूरतमंद की मदद करते हैं और तुम तो उनके फेवरेट स्टूडेंट हो।
तुम्हें तो वो जरूर मदद करेंगे और तुम्हारे साथ मेरा भी हो जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो। फिर अशोक और संजय मिश्रा सर के पास पहुंचे और दोनों ने अपने सोच के बारे में सब कुछ मास्टर जी को बता दिया, लेकिन मास्टर जी अशोक के आदतों से वाकिफ थे और इसीलिए उन्होंने बड़े सलाकी से संजय का भला सोचते हुए दोनों को अलग अलग बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए और एक साल के अंदर वापस करने के लिए भी कहा। संजय, ये मास्टर जी ने ऐसा क्यों किया? अरे ये सब सोचना छोड़ो और ये पैसे से कोई अच्छा बिजनेस शुरू करो, क्योंकि हमें एक साल के अंदर पैसा वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है, घर चलते हैं। बहुत दिनों के बाद कुछ पैसे मिले हैं। अब तो कुछ दिनों के लिए खूब मस्ती करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो संजय से मांग लूंगा। इसके बाद संजय पूरे मेहनत और लगन से अपने बिजनेस में लगा रहा। वो गांव से सब्जी लेकर शहर में बेचता था और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की दुकान भी खोल ली। और अशोक मौज मस्ती में ही व्यस्त रहा। और इसी तरह जब एक साल खत्म होने को आया तब मास्टर जी ने दोनों को बुलाया। संजय, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरे सारे पैसे बिजनेस में डूब गए और आज मास्टर जी को भी पैसे वापस करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। हर बार तुम शॉर्टकट्स के नाम पर मेरा फायदा उठाते हो, लेकिन इस बार नहीं। चलो अब मास्टर जी के पास चलते हैं। आओ आओ, कैसा रहा तुम दोनों का ये साल? मास्टर जी, आपके मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए आपके पैसे और कुछ अतिरिक्त पैसे भी, ताकि आप हम लोगों की तरह और दूसरों को भी मदद कर सके। और अशोक, तुम्हारा क्या हुआ? मास्टर जी, बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे पता था, इसीलिए शुरुआत में ही मैंने तुम दोनों को अलग अलग से पैसे दिए थे, क्योंकि अगर एक साथ देता तो बेचारा संजय मेहनत करते रहता और तुम सिर्फ मजे करते रहते। मास्टर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे पता चला कि जिंदगी में शॉर्टकट्स लेके आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिरना ही पड़ेगा। और संजय मेरे दोस्त, मेरी गलतियों को माफ कर देना प्लीज। कोई बात नहीं अशोक, लेकिन आज से सुधार जाओ, हर बार जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हाँ बच्चों, बनना है तो संजय की तरह मेहनती बनो, क्योंकि मेहनत ही सफलता का मूल उपाय है। आओ सब लोग मेहनत करें, शॉर्टकट्स ढूंढना छोड़ दे, हिम्मत ना हारो, मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी जरूर। सो एवरीवन, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, स्टॉप रनिंग आफ्टर शॉर्टकट्स, कीप वर्किंग हार्ड, वन डे और द अदर वी विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड दिस इज द मॉरल ऑफ आवर स्टोरी। और इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।